भारत ने दुनिया को पछाड़ा, अच्छे अच्छों ने पकड़ा किनारा, अमेरिका ने भारत के गुणगान गाए, रूस को कर के किनारे खुद बन गए भारत का दोस्त। दोस्तों, IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक ऐसा खुलासा भारत को लेकर किया गया है जिसको सुनने के बाद आपको यकीनन भारत के ऊपर काफी ज्यादा गर्व महसूस होगा, साथ ही आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद भी लिखने पर मजबूर करेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर IMF और वर्ल्ड बैंक ने भारत को लेकर ऐसा कौन सा खुलासा कर दिया है जिसे आपको इतनी ज्यादा खुशी होने वाली है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। साथ ही वही भारत ने दुनिया के बड़े से बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि एक बड़ी संस्था बोल रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से एक ऐसा बयान निकलकर सामने आ रहा है जिसको सुनने के बाद इतना तो समझ में आ जाता है कि अमेरिका भारत से अपने रिश्ते को सही करना चाहता है। भारत से अमेरिका बिल्कुल भी कोई गिले शिकवे नहीं रखना चाहता। आखिर अमेरिका को भारत में क्या दिख रहा है, तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आप सभी लोग IMF के बारे में जानते होंगे। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी है। इसकी तरफ से कुछ ऐसा बयान सामने निकल के आया है जिसको सुनने के बाद पूरी दुनिया अचंभे में चली गई है, और इसकी तरफ से कुछ ऐसा आंकड़ा निकलकर सामने रखा गया है जिसको देखने के बाद सभी देश हैरान हो गए हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपको हम ये बताते चले कि यहाँ पर IMF के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसका नाम है वर्ल्ड बैंक। उसने भारत के लिए एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें वर्ल्ड बैंक ने ये बताया था कि मंदी की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा गिर जाएगी, और यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने ये भी बताया था कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनकी भी अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी, लेकिन भारत इकलौता ऐसा देश होने वाला है जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा तेज चलेगी। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने अपनी तरफ से ये ऐलान पहले ही कर दिया था, लेकिन आज IMF ने भी अपनी तरफ से ये ऐलान कर दिया है जिसमें IMF ने ये भी बोल दिया है कि यहाँ पर भारत ही वो देश होने वाला है जिसकी अर्थव्यवस्था की स्थिति सबसे ज्यादा तेज बढ़ने वाली है। आपको बताते चले, यहाँ पर IMF की तरफ से ये बयान दे दिया गया है कि दुनिया में जो भी बड़े देश हैं उनसे सबसे ज्यादा तेज जो अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली है वो भारत की ही बढ़ने वाली है। इसमें IMF ने बताया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 8.2% की गति से बढ़ेगी। दोस्तों, यहाँ पर IMF ने ये भी कहा था कि जब इस साल की शुरुआत हुई थी तो भारत की GDP 9% की रेट से बढ़ने का अंदाजा लगाया गया था, लेकिन जिस तरीके से रूस यूक्रेन का युद्ध लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है और पूरी दुनिया में महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है उसको देखते हुए यहां पर अब IMF ने अनुमान लगाया है, जिसमें IMF ने कहा है कि 8.2% की रेट से भारत की GDP बढ़ेगी। जैसा कि आपको पता भी होगा, इस समय दुनिया में क्या क्या चल रहा है इससे पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा और सबकी GDP पर इसका असर भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भारत पर इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसके पीछे भी वजह है। क्योंकि ये बात आप भी अच्छे से जानते होंगे, भारत ने पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म किए हैं उसकी वजह से भारत के ऊपर ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, IMF की तरफ से ये भी कहा गया है कि भारत ने ऐसी आबादी लगभग खत्म कर दी है जिसके पास खाने को भी दाना नहीं है, और इसको लेकर भी भारत के अंदर काफी लोगों ने सवाल उठाए थे कि ये आंकड़ा पूरी तरीके से गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, और ना जाने इस पर क्या क्या बोला गया था। और अभी वर्ल्ड बैंक ने इस पर अपनी तरफ से पुष्टि कर दी है, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने कहा है पिछले 10 सालों में कंस्ट्रेन पॉवर्टी है उसमें भारत ने रिकॉर्ड स्तर पर काम किया है। दोस्तों, आपको हम बताते चले, IMF की तरफ से जब इस रिपोर्ट को जारी किया गया तो साथ ही भारत की उन्होंने काफी ज्यादा तारीफ भी की, और IMF ने बताया जिस तरीके से भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है उससे श्रीलंका में कहीं न कहीं हालात सुधारते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसके पीछे कोई और देश नहीं बल्कि भारत है, और यही वजह है कि यहाँ पर भारत के लिए खूब तारीफ की जा रही है, और इस वजह से भारत की तारीफ की भी जानी चाहिए। जिस तरीके से भारत इकलौता ऐसा देश बनकर सामने आया है जो कि इस स्थिति में भी श्रीलंका जैसे देशों की मदद कर रहा है, इस वजह से भारत की तारीफ करना तो बनता है। इस विषय में आपकी क्या राय है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के सलाहकार और अमेरिकी विदेश विभाग के काउंसलर डेरेक चोलेट ने कहा है यूक्रेन से युद्ध के बाद भारत का सबसे विश्वसनीय साझेदार रूस नहीं बल्कि अमेरिका ही होगा। आपको बताते चले, यहाँ पर इनकी तरफ से कहा गया है कि अमेरिका भारत का सबसे अच्छा साझेदार बनने वाला है। यहाँ पर इन्होंने भारत को ये एहसास करा दिया है कि भारत के साथ अमेरिका अपने रिश्ते को पहले से भी अच्छा करके रखना चाहता है। बाइडेन प्रशासन के आला अफसर ने कहा अमेरिका भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने को भी तैयार है। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से पहले भी कई बड़े कदम भारत के लिए उठाए गए हैं, और अभी ऐसा देखने को मिला है कि अमेरिका भारत से अपने अच्छे रिश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर कई बड़े कदम और उठा सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग के काउंसलर ने एक इंटरव्यू में कहा रूस अपने ही सैन्य उपकरणों को बड़े पैमाने पर ध्वस्त करता आ रहा है, इसलिए उसे पहले अपनी सैन्य जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता होगी।
यहाँ पर इनकी तरफ से ये कहा गया है, रूस की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उसमें रूस का ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के काउंसलर डेरेक चोलेट ने कहा कि बाइडेन प्रशासन भारत के साथ काम करने के लिए बेहद उत्सुक है। यहाँ पर अमेरिका ने कई बार ये जताने की कोशिश की है कि यहाँ पर अमेरिका भारत के साथ काम करने के लिए कितना ज्यादा उत्सुक है। यहाँ पर अमेरिका भारत के साथ काम करने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और हमें उम्मीद है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ी डील देखने को मिल सकती है और दोनों देश मिलकर किसी एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। चोलेट ने दावा किया है कि रूस की ओर से दिए गए सैन्य उपकरण समय समय पर अपनी अक्षमताएं दिखाते रहते हैं। आने वाले समय के साथ रूस के साथ व्यापार करना और भी दुश्वार हो जाएगा। पिछले 12 हफ्तों में रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद उसके साथ कोई भी कारोबार करना पहले के मुकाबले और कठिन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ मौजूदा निर्यात नियंत्रण और अहम तकनीकों के आयात को लेकर अक्षमता कुछ सैन्य उपकरणों के कलपुर्जों को हासिल नहीं करने देगी। इससे रूस के साथ कारोबार मुश्किल होता जाएगा, इसलिए रूस अब उतना आकर्षक साझेदार नहीं रहा। हालांकि चलेट उस सवाल का जवाब टाल गए जब उनसे पूछा गया कि भारत पाक युद्ध के दौरान वर्ष 1971 में अमेरिकी नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में भारत के खिलाफ अपना नौसैनिक बेड़ा श्वेत फ्लीट भेजा था। इसलिए भारत में बहुत से लोग मानते हैं कि अमेरिका भी भारत का उतना विश्वसनीय साझेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को लेकर रूस की योजना और इरादों से संबंधित बेहद संवेदनशील खुफिया जानकारियां अमेरिका ने भारत के साथ साझा की है। इसलिए हम मानते हैं कि संघर्ष के इस दौर में हम एक विश्वसनीय साझेदार है। दोस्तों, यहां पर अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्ते इसलिए अच्छे रखना चाहता है क्योंकि उसे दिख रहा है कि भारत आने वाले समय का एक उभरता हुआ सुपर पावर देश है और अगर अमेरिका भारत से नहीं बनाकर चलेगा तो यहाँ पर अमेरिका जानता है कि उसे आने वाले समय में काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि यहाँ पर अमेरिका भारत से अपने रिश्ते को लगातार अच्छा करने की ओर अपना कदम बढ़ा रहा है। यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश में लगा हुआ है। यहाँ पर अमेरिका हर वो पल याद दिला रहा है जिसमें भारत और अमेरिका के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो जाएं। इस विषय में आपकी क्या राय है? क्या भारत को अमेरिका के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखने चाहिए या भारत को रूस के साथ और भी बेहतर रिश्ते को बनाने के लिए अपनी तरफ से कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए? इस विषय में आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।